वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ डबल बेड फोल्डिंग मॉस्किटो नेट को हम कैसे यूज़ करेंगे और कैसे हम उसको वापस से फोल्ड करेंगे। ये आप धोली सती ट्रेडर्स से इजीली परचेज कर सकते हैं। हमारे पास सिंगल और डबल दोनों बेड में ही ये आपका अवेलेबल होती है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वाली मॉस्किटो नेट आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक से मेरा मतलब है कि आप इसे सीधा सीधा बस ओपन कीजिए और ये रेडी टू यूज़ होगी। इसे आपको कहीं दीवार विवार पे बांधना या ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल बस आपको इसे अपने बेड के ऊपर रख देना होता है। तो ये मॉस्किटो नेट आपके सामने है, ये हमने खोल ली है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे आप बस इसी तरह सिंपल आप अपना बेड के ऊपर रख के यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये आपकी इलास्टिक की ग्रिप है। इसे आप, ये चारों कॉर्नर पे है, आप इसे बेड के मैट्रेस के नीचे दबा सकते हैं। इससे यहाँ पे आपकी, ये आपके डोर्स दिए गए हैं जिसमें आपका चैन लगी हुई है। चैन आपकी अंदर और बाहर दोनों तरफ से ऑपरेट कर हो सकती है। इसमें आपका डोर दोनों तरफ दिया हुआ है और अब इसे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार हम इसे आपका फिर से बंद करेंगे, ताकि जब हमें इसका यूज़ ना हो तो हम इसे इजीली फोल्ड करके रख सकें, या फिर हमें अगर कहीं और भी कैरी करके ले जाना हो तो हम इसे इसके वापस बैग में डाल के ले जा सकें। उसके लिए आपको कोई भी एक फ्लैप को पकड़ के, ज़रूरी नहीं है चारों में से किसी भी एक फ्लैप को पकड़ के अंदर की तरफ डाल देना है और ये बाकी दोनों फ्लैप्स को पकड़ के आपस में मिला लेना है। इससे आपका ये इस तरह का एक शेप बन जाएगा आपका, और हमें यही चाहिए। अब इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड सिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ईजी हैं और जिनसे आप इस मॉस्किटो नेट को फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट मेथड में आपका ये जो टॉप हिस्सा है और ये बॉटम हिस्सा है, तो हम इसे रोटेट कर देंगे। रोटेट होने से अब मेरे हाथ में जो नीचे वाला हिस्सा था वो ऊपर हो गया और जो ऊपर वाला हिस्सा था वो नीचे हो गया। अब इसे मैं इस तरह से नीचे रख के इसको एक सी बना दे रहा हूँ, उल्टा सी। ये आप देख रहे हैं, एक शेप ले लिया इसने उल्टा सी में। अब आपको इसे जितना भी आपके हाथ जाए उतना आप लेके जाएंगे। मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ, ये आप हाथ अपने लेके गए। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाना है, लेफ्ट हैंड से इसे होल्ड कर लेना है, अपने राइट हैंड को फ्री कर लीजिए। उसके बाद ये जो बाकी का ये वाला हिस्सा बचा, इसे आप पकड़ के अंदर की तरफ पुश कर देंगे और ये आपका फोल्ड हो जाएगा। मैं एक और बार दिखा रहा हूँ, ये था, आपने दोनों हाथ को मिलाया, लेफ्ट हैंड से इसे होल्ड किया, राइट हैंड को फ्री किया, उसके बाद आपको इसे बस अंदर की तरफ पुश कर देना है और ये आपकी मॉस्किटो नेट फोल्ड हो गई है। अब मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ, उसके लिए हम आपका इसे वापस से खोल लेते हैं और हम इसे फिर से सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के लिए हमें इसका रिबन देखना है। ये आपका रिबन वाला हिस्सा टॉप आता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इस वाले वीडियो में, इस वाले मेथड में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो हमारा रिबन है, हमें इसके दोनों एंड की तरफ से दोनों हाथ से इसे पकड़ लेना है सीधा। अब इसे हमें अपने दोनों हाथ से ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए एक एट जैसा शेप बना देना है। तो ये हमारा फर्स्ट सर्कल बन गया है ऊपर, ये हमारा फर्स्ट सर्कल है और इसे हम लेफ्ट हैंड से यहाँ होल्ड करके रखेंगे और अब अपने सीधे हाथ से इसे नीचे से पकड़ते हुए ऊपर की तरफ लेते आएंगे। इसमें हमें कोई ट्विस्ट या टर्न नहीं करना है, ये मॉस्किटो नेट आपका अपने आप ही दो सर्कल बना देगा। जैसे आप नीचे से आप अपना हाथ ऊपर लेके आते हैं, जैसे ही आपके ये बने
तो अब ये जो हमारा फर्स्ट सर्कल बना था इसे हम बीच में रखते हुए बाकी दोनों को एक के ऊपर एक फोल्ड कर देंगे और ये आपका पूरा फोल्ड हो गया है। अब मैं आपको एक और बार करके दिखा दे रहा हूँ। ये हमने रिबन्स के एंड से पकड़ा, एट बनाया, लेफ्ट हैंड से इसको होल्ड किया, सीधे हाथ को हमने फ्री किया, नीचे से पकड़ते हुए इसको ऊपर ले गए। तीनों सर्कल हमारे जो सामने हैं उसको हमने एक के ऊपर एक ओवरलैप कर दिया। दैट्स इट, ये हमारी मॉस्किटो नेट फोल्ड हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।